हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम मेथी मटर मलाई बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप वही सिंपल सी मेथी की सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मेथी मटर मलाई बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेथी की सब्जी को अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है और ये 250 ग्राम मेथी है। तो इस मेथी की सब्जी को मैंने बारीक कट कर लिया है। एक कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डालें। पानी बॉईल होने के बाद उसमें मेथी डालना है। मीडियम फ्लेम पे मेथी को 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है। बॉईल करने से मेथी का जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये मेथी को मैंने स्ट्रेनर से छान लिया है। मेथी को निचोड़ के जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल ले। उसके बाद एक कढ़ाई में हमें 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। 1 इंच कटा हुआ अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 7 से 8 काजू और 1 कटा हुआ टमाटर लेना है। सबसे पहले लहसुन डाले, हरी मिर्च, अदरक, इन्हें 2 से 3 मिनट तेल में भून ले। उसके बाद इसमें टमाटर डालें और टमाटर को भी हल्का सा भून ले। फिर इसमें काजू डालना है और मिक्स कर लेना है। फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने दे। जरूरत अनुसार पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर ले। तो ये पेस्ट बनके तैयार है। साबुत मसालों में 2 तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और काली मिर्च, 1 छोटी कटोरी फ्रेश क्रीम लेना है। फ्रोजन मटर लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल मटर को बॉईल करके ले सकते हैं। सूखे मसालों में 1 छोटा चम्मच हल्दी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला लेना है। उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के बॉइल्ड मेथी की सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर ले। तो ये मेथी की सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाल के इसमें जो सारे सूखे मसाले हैं वो डालना है। मसालों को खुशबू आने तक अच्छे से भूने। उसके बाद इसमें जीरा डाले, धनिया पाउडर, अब जो हमने ये पेस्ट बनाया है वो डालना है और अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए, इसमें तेल छूटने लगा है। इसका मतलब ये जो मसाला है ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें फ्रोजन मटर डालेंगे। अब इसमें मेथी डालें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले। इसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डालें, गरम मसाला डालें और अच्छे से मिक्स कर ले। गैस की फ्लेम को लो करके इसमें जो फ्रेश क्रीम है ये डालना है। ऐसा करने से मलाई फटेगी नहीं। थोड़ा सा इसमें पानी डालें, आप चाहे तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएं। तो बस मेथी मटर मलाई बनके तैयार है। इसमें ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल के रोटी या फिर नान के साथ सर्व कीजिए। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।